नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सीएलपी नेता और कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समूह के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान का लक्ष्य संक्रमण से प्रभावित परिवार के सदस्यों का डेटा भी इकट्ठा करना है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष से भी खास बातचीत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक का आयोजन किया है। कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई है। राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान का निर्णय लिया गया है। तो राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सीएलपी नेता और कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बैठक का आयोजन किया है। वहीं पूर्व में सांसद रह चुके दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान बीते दिन पूर्व मंत्री ददन पहलवान सिवान पहुंचे। वहीं उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पर उनके बेटे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई। पूर्व मंत्री ददन पहलवान के साथ इंडियन ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सचिव और मालिक हम के प्रदेश सचिव, जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव और आरजेडी के अल्प मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं मुलाकात के बाद ददन पहलवान ने मीडिया से बात करते हुए शहाबुद्दीन से अपने पुराने संबंध बताए। बिहार की जेल में रहता है और शहाबुद्दीन तिहाड़ की जेल में रहते हैं, महागठबंधन में, तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो क्या सर, तो यह माना जाए कि पार्टी की तरफ से अनदेखी की गई है, कहने का यह मतलब आपके राजद की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन को अनदेखी की गई है? ये पूरे बिहार के मुसलमान लोग समझ गए हैं कि कैसे शहाबुद्दीन जैसे बहादुर, मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लोग से मजबूत है शहाबुद्दीन से शरीर से, तो हम लोग के पास पुराना कहाँ आया? रोज हम लोग घूमते हैं, आप लोग लगाते हैं, मास्क लगाए हैं, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिसके शरीर में जान है उस पर कोरोना असर नहीं कर सकता। तो शहाबुद्दीन जी के पूरे देश जानता है कि क्या हुआ है। हम लोग सहानुभूति, हम लोग इन शहाबुद्दीन के हम भाई मानते थे, तो उनका बेटा हमारा भतीजा हुआ। हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। उसामा शहाब से पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने मुलाकात की है और शहाबुद्दीन के बेटे से मिलकर शोक जताया है। तो पूर्व में सांसद रह चुके दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे शहाब से ददन पहलवान मिलने पहुंचे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विजय, लगातार मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, अब इसी कड़ी में ददन पहलवान भी मिलने के लिए परिजनों से पहुंचे हैं। विजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब से ये घटना घटी है शहाबुद्दीन की मौत हुई है, जब से लगातार नेताओं की जो सिलसिला है जारी है। लगातार बिहार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री उनके पैतृक आवास और निवास को पहुंच रहे हैं और उन्हें सांत्वना देने की काम कर रहे हैं। साथ ही साथ
ये भी बात नहीं आ रहे हैं, नेताओं लगातार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कल की बात है, तो कल गगन पहलवान भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनके साथ कई बड़े बड़े नेता भी आए थे। गगन पहलवान ने साफ तौर पे कह दिया कि शहाबुद्दीन मेरे पुराने मित्र थे, उसी को लेकर मैं अपने काफिला के साथ यहाँ पहुंचा हूँ और ओसामा मेरे भतीजे हैं और उनको उनसे मुलाकात करने आया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे गगन पहलवान जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को भी एक बड़ी चुनौती दी है। साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने लपटाया और लालू प्रसाद यादव पर साफ तौर पे आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव कभी भी किसी को बड़ा नेता बनते हुए नहीं देख सकते हैं। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने साफ तौर पे वार किया और कहा कि 2022 में अगर इसी तरह का राजनीति रही, जिस तरह से अधिकारी विधायक और सांसद का जो बात नहीं सुनते हैं, कहीं ना कहीं 2022 में सरकार फिर से बनेगी। जी विजय, लेकिन अचानक गगन पहलवान को भाई और भतीजे की कैसे याद आ गई? क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर के या फिर उनके दिल्ली में जिस तरीके से उनको दफन किया गया, तो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी आवाज़ उठाती रही, उनके शव को उनके पैतृक गांव ले जाने की बात कही जाती रही, लेकिन अब अचानक से गगन पहलवान को भाई और भतीजे की याद आती है, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे मैंने ये भी बात बताया तो कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक रोटियां सिकी जा रही है। जब शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है, जब उसके परिवार पूरे संकट में रहते हैं, तो किसी भी दल के कोई भी मंत्री, पूर्व मंत्री हो या वर्तमान मंत्री हो, कोई भी उनको उस वक्त सांत्वना देने नहीं पहुंचते हैं, उस वक्त उनके शव को बिहार लाने के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं करते हैं, और जब उनकी मौत हो जाती है, जब उनके परिवार में सारी चीजें बीत जाती है, चालीसवा होता है, तो नेताओं का आना जो है सिलसिला जारी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे झलक रहा है और ये दिख रही है कि राजनीति की रोटियां सिकी जा रही है उनकी मौत के बाद। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्राम विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया, जहां 2 एकड़ जमीन पर 8,70,00,000 की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर और साथ ही अंजना से चांदपुर तक नई सड़क का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर में आलू प्याज को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बाजार में उचित मूल्यों पर सारा सामान मिल सके। और 2 एकड़ भूमि पर आज कोल्ड स्टोर की स्थापना होने जा रहा है। 15 महीना में इसको हम लोग कराना चाहते हैं। हमने चाहते हैं कि लंबा समय चले, जो संवेदक है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो जितना जल्द हो सके 15 महीना में 12 महीना में कर देता हुआ हमारा भी बेहतर है। और इसका कैपेसिटी जो है 5,000 मैट्रिक टन है और ये काम बहुत जल्दी शुरुआत हो, शिलान्यास हो गया, मतलब शुरुआत हो, पहले ही हम लोग बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए बोल दिए थे शुरुआत हो जाएगा 12 महीना या 15 महीना में तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शमशेर अहमद हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शमशेर, मंत्री ने कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया है, क्या कुछ जानकारी? जी नियाज, जिस तरह कल कोल्ड स्टोर एवं सड़क का मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया, जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए जरूरी था, इसको लेकर सदर प्रखंड पाकुड़ के कपिला गांव में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 2 एकड़ जमीन पर 8,70,00,000 की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर का किया शिलान्यास, साथ ही अंजना से चांदपुर तक नई सड़क का भी किया शिलान्यास। तो इस शिलान्यास में कौन कौन लोग मौजूद थे? जी इस शिलान्यास के दौरान पाकुड़ के DDC अनमोल कुमार सिंह सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होकर बताएं
कि झारखंड राज्य भवन निर्माण नगर निगम लिमिटेड की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर 2 एकड़ जमीन पर 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले स्टोर में आलू प्याज को सुरक्षित रख बर्बादी से बचे ताकि जी शमशेर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोजपा में टूट की खबर के बाद राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल बढ़ गई है। वहीं इस खबर के बाद शेखपुरा के लोजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी देखी गई। वहीं गहमा गहमी के बीच लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने पूरे राज्य और शेखपुरा लोजपा इकाई लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ देने की बात कही है। इस दौरान लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि अपनों ने ही लोजपा पार्टी को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पार्टी में फूट डालने का आरोप लगाया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार साहब अपने मिशन में अपने मंसूबे में सफल हो गए और वो बहुत आज खुश होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, चिराग रामविलास पासवान साहब ने लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आदरणीय चिराग पासवान साहब ने जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो बढ़ाया है, खून पसीना एक किया है, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की टीम शेखपुरा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, थी, है और रहेगी। आई एम ऑलवेज विथ चिराग पासवान। और रहा सवाल, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने घर के लोग ही खिलाफ हो गए। ये कहाँ का है? नीतीश कुमार तो इसे महारत हासिल है उनको, हमारे मुख्यमंत्री साहब को, कि वो घर को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। चिराग पासवान फ्यूचर है बिहार का। वहीं बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, जहां महज 6 घंटे के अंदर अपराधियों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में घर पर घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। जिससे पहले भाजपा नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना लोहिया नगर ओपी क्षेत्र की है, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने वार्ड नंबर 28 निवासी संजय सहनी के घर पर 10 राउंड फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार ने लोहिया नगर थाने पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज वो आया था, मेरा देवर के नाम से मैंने गलम घड़ी कर रहा था और से मेरा पति भी निकला तो पति के ऊपर भी गोली छोड़ा है और देवर के भी ऊपर। कितने गोली चलाए गया? गोली तो बहुत से चला। कितने संख्या में अपराधी थे? 4-5 था। खाना खा था, मेरा नाम लिया, मैंने सुमार कर निकल बाहर, हम नहीं निकले घर से, गाड़ी करके फायरिंग करना ना, हम लोग गेट चलाया, खिड़की खोले, खिड़की भी चलाने लगा, भैया ऊपर से देखो भैया, ऊपर से भैया से चलाया मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना था, वो भी पूरा आंधो 4 आदमी मोटा मोटी थे, 4 आदमी पूरा आंधो फायरिंग करते हुए गर्म वायरिंग करते हुए ऊपर से मारने का धमकी दिया। तो बेगूसराय में लगातार बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोली के खोखे बरामद किए गए हैं और मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और लगातार दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि 6 घंटे के अंदर अपराधियों ने 2 अलग थाना क्षेत्र में घर पर घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। जिससे पहले भाजपा नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना लोहिया नगर ओपी क्षेत्र की है, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने वार्ड नंबर 28 निवासी संजय सहनी के घर पर 10 राउंड फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार बेगूसराय में यह देखा जा रहा है कि अपराधियों का तांडव बढ़ता ही जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती बनी हुई है। बीती रात भी बेखौफ अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल जो है पुलिस जो है सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किए बेगूसराय भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पाई है कि अपराधियों ने किस लिए इस ठेकेदार को गोली मारकर हत्या की गई है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में ब्लैक फंगस के 24 मरीज सोमवार को मिले हैं, वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। उधर पटना एम्स, IGIMS, NMCH और PMCH में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खत्म हो गया है। NMCH को 500 वायल इंजेक्शन मिले थे, स्टॉक खत्म होने से किसी मरीज को नहीं लगा। IGIMS में को 12 जून को 700 वायल मिला था, खत्म होने के बाद अभी तक नहीं मिला। एम्स में भी इंजेक्शन खत्म हो चुका है। यहां मरीजों को पोसाकोनाजोल टैबलेट दी जा रही है। PMCH में भी इंजेक्शन और पोसाकोनाजोल टैबलेट दवा खत्म हो गई है। तो बिहार में ब्लैक फंगस का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज मिले हैं, 260 लोगों का अभी तक इलाज चल रहा है। तो राज्य के बड़े अस्पतालों में दवाओं की भी किल्लत देखी जा रही है। ब्लैक फंगस की दवाएं और इंजेक्शंस खत्म हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो लगातार ब्लैक फंगस का कहर जारी है और इसको लेकर के जो दवाओं की कमी देखी जा रही है, इंजेक्शंस की कमी देखी जा रही है, इसको लेकर के राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है ब्लैक फंगस की दवाओं में कमी देखी जा रही है। जितने भी बड़े अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में इंजेक्शंस की कमी देखी जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अथर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अतर, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है और दवाओं में भी काफी कमी देखी जा रही है, उस दवाओं की पूर्ति कैसे की जाएगी? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि बिहार में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है और सोमवार को ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज मिले हैं, 260 लोगों का इलाज चल रहा है फिलहाल और राज्य के बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म बताई जा रही है। दवा और इंजेक्शंस में लगातार कमी देखी जा रही है। और वहीं मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर पंचायत के हरदियाबाद गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतर खान हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अतर, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो मामला है आपका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर पंचायत के हरदियाबाद का गांव का मामला है, जहां ये मामला काफी पुराना विवादित मामला चला रहा है। मात्र 3.5 कट्ठा को लेकर के दो पक्ष लगातार लड़ते चले जा रहे हैं। कल तो एक पक्ष जो है वो घर निर्माण करने जा रहे थे, जिसे को लेकर दूसरे पक्ष ने उस निर्माण को रोक दिया और मामला जनता दरबार तक पहुंची। CEO ने भी अनदेखा करते हुए एक पक्ष को फैसला दे दिया और उसने वो निर्माण चालू कर दिया। इसके विरोध में अगले पक्ष में जब बात हुई तो बात इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट पर उतारू हुए। इस मारपीट के क्रम में दर्जनों से अधिक लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बात इतना बढ़ गई कि लास्ट में पुलिस को हस्तक्षेप करके इस मारपीट को रुकवाना पड़ा।
मामला दर्ज पुलिस ने इस मामले को देखते हुए मामला दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मामला मुसहरी थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर हाई स्कूल के पास का है। हथियार से लैस होकर अपराधी किसी बड़े अपराधी घटना को अंजाम देने वाले थे। वहीं सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मुसहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अपराधी इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और लूट की किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने वाले हैं। इन अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया थानाध्यक्ष मुसहरी के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो अपराधी हैं उनमें से 2 कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 1 अहियापुर का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोग लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे और लूट की घटना कारित करने वाले थे। इनके पास से हथियार मिला है और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान इनके पास मिले। वही मुजफ्फरपुर मिठनपुरा से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कोचिंग संचालक एक युवती के साथ कार में अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। इसके बाद जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग में हंगामा किया और कोचिंग संचालक के पोस्टर में कोई काली पोता। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संचालक ने युवती को नशीले पदार्थ खिलाकर जबरन शारीरिक संबंध का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ पर एक सर है, एक साइंस जोन कोचिंग चलती है, जिसमें सर है अभिषेक त्रिवेदी। जो अभिषेक त्रिवेदी है ये कुछ स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकत करते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल हो चुका हुआ है। ऐसा टीचर बताइए, टीचर हैं और शिक्षा के नाम पे एक संस्था चलाते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज किया जाता है, गलत स्टूडेंट के साथ गलत। 2 दिन से कार में उनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। ऐसा टीचर मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए। 24 घंटा के मकान मालिक को समय दे रहे हैं और जिला अधिकारी के इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए इस कोचिंग का, और 24 घंटे के अंदर में ही मकान मालिक कोचिंग यहां से खाली कर दे, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन हम कर देंगे इस मास्टर के लिए। तो जाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके पोस्टर के ऊपर किस तरीके से कालिक पोता जा रहा है। तो कोचिंग के पोस्टर भी फाड़े गए हैं और ये आरोप है कि कोचिंग के संचालक के ऊपर आरोप है कि ये अश्लील हरकत करता हुआ देखा गया है। वहीं झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाजत लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे और साथ ही अब 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा लेने का भी निर्देश दिया गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब निश्चित रूप से कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं होगी और होम आइसोलेशन में रहने के लिए मरीजों को एक आवेदन डीसी को देना होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।